पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 वर्ष की उम्र में मंगलवार रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बुधवार दोपहर 3 बजे पार्थिव शरीर लोधी रोड स्थित विद्युत शवदाह गृह ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की खबर सुनते ही पाकिस्तान से भारत आई मुख बधिर गीता रोपड़ी और बोली में तैनात हो गई। इंदौर के मुख बधिर संस्था में रह रही गीता को सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहते हुए भारत लेकर आई थी। गीता दिन भर मायूस नजर आ रही हैं। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट संदीप पंडित ने बताया कि गीता का कहना है कि सुषमा जी के जाने से बहुत दुख हो रहा है, अब मेरे हालचाल कौन लेगा, मैं अनाथ हो गई हूँ। गीता के मुताबिक सुषमा स्वराज की बीमारी के चलते 1 महीने से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को गीता की जिम्मेदारी सौंपी थी। एक और मामले में विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज पाकिस्तान से उजमा अहमद को भारत लेकर आई थी। अब इस घटनाक्रम पर फिल्म बनने वाली है। दरअसल जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में जबरन शादी का शिकार हुई भारतीय नागरिक उजमा अहमद को वतन वापस लाने में काफ़ी मदद की थी। सुषमा स्वराज के इस कदम की पूरे देश में खूब सराहना की गई थी। अब इस मामले पर फिल्म बनने जा रही है। बीते दिनों खबर थी कि फिल्म में सुषमा स्वराज का रोल तब्बू प्ले कर सकती है, लेकिन तब्बू ने इन बातों का खंडन किया था। वहीं उजमा का रोल श्रद्धा कपूर निभा सकती हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।